चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंडीगढ़ में आज बीजेपी की अहम बैठकें होती नजर आएंगी। मंत्रियों और विधायकों संग सीएम चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होती नजर आएगी। शाम 7 बजे विधायकों संग चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठकें होती नजर आएंगी। विधायकों और मंत्रियों संग सीएम नायब सैनी इस दौरान डिनर करते भी नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की आज अहम बैठकें होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पहले मंत्रियों के साथ 5 बजे बैठक करेंगे और इसके बाद करीब 6:30-7 बजे जो है वो तमाम विधायकों के साथ जो है वो मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। यानी दोनों बैठक जो है वो अलग अलग बैक टू बैक रहने वाली है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा है और छठे चरण में जो वोटिंग होनी है उसको लेकर विधायकों से मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इस तरीके से जो वो प्रचार में कहाँ कहाँ पर और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है, कौन कौन से क्षेत्र के लिए और ज्यादा प्रभावी रणनीति की जरूरत है, तमाम मसलों पर इन दोनों बैठकों में चर्चा जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो खुद मैदान में चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की जनसभाएं हो चुकी है। आगामी दिनों में कैसे और मजबूत रणनीति जो है वो भाजपा की रहे, इसको लेकर मंथन मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों के साथ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो रात्रि भोज यानी जो डिनर है वो भी मंत्रियों और विधायकों के साथ ही करेंगे। मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ में जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर आज ये बैठकें रहेंगी और बैठकों के खत्म होने के बाद वहां पर डिनर भी रखा गया है। जी, शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की आज अहम बैठकें रहने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठकें होती नजर आएंगी। विधायकों और मंत्रियों संग सीएम इस दौरान डिनर भी करने वाले हैं। चंडीगढ़ में आज बीजेपी की अहम बैठकें होती नजर आएंगी। मंत्रियों और विधायकों संग सीएम चर्चा करते नजर आएंगे।